नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हमीरपुर जिले में कांग्रेसियों ने लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद प्रियंका गांधी को पुलिस द्वारा नजरबंद किए जाने के मामले में आक्रोश जताया है। जिलाधिकारी कार्यालय गिरफ्तार देने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट पर ही रोक लिया। रुके जाने से आक्रोशित कांग्रेसी नेताओं और पुलिस के बीच धक्कामुक्की के बाद कांग्रेसी नेता सरकार विरोधी नारे लगाते हुए वापस लौट गए। यूपी के हमीरपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी से अभद्रता और नजरबंद किए जाने के मामले को लेकर 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि लखीमपुर खीरी में पुलिस द्वारा प्रियंका गांधी को रोके जाने के बाद नजरबंद कर दिया गया है। नजरबंद किए जाने के विरोध में आज कांग्रेसी जब जिलाधिकारी कार्यालय गिरफ्तारी देने जा रहे थे तो कलेक्ट्रेट के गेट पर तैनात पुलिस ने कांग्रेसियों को गेट बंद कर अंदर जाने से रोक लिया। पुलिस के रोके जाने पर कांग्रेसी और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। कलेक्ट्रेट में घुसने पर रोके जाने से आक्रोशित कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में जो अत्याचार हुआ किसानों के ऊपर, मंत्री महोदय के पुत्र ने उन पर गाड़ियां चढ़ा दी, उसको लेके हमारी बहन जी प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जा रही थी, जिनको रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। हमें ये बताया जाए कि कौन से संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई पीड़ित पक्ष से मिलने नहीं जा सकता, कोई भी नेता। आप गिरफ्तारी करके उनको 3 दिन से नज़र कैद किए हैं, उनको छोड़ नहीं रहे। वो उस मांग को लेके हम आज प्रशासन के पास आए थे कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो हमें भी गिरफ्तारी किया जाए। जब तक बहन हमारी बहन प्रियंका गांधी को नहीं छोड़ा जाता, जब तक हमको भी जेल भेज के गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास कुमार पाटिल। वहाँ पे लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जो भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री है, तो उन्होंने किसानों को पिछड़ तक उन्होंने हत्या की है, जितना संहार किया है किसानों के साथ, तो उनसे पीड़ित मृतक किसानों के परिजनों से मिलने हमारी राष्ट्रीय नेता प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी गई, तो पुलिस ने वहाँ पर जाने दिया गया। पुलिस प्रशासन 3 दिनों से लगातार उनको नज़रबंद किए हैं। आखिरकार ये बताया योगी सरकार की पुलिस किस अपराध में प्रियंका जी को 3 दिन से लगातार गिरफ्तार किए हैं। हम मांग करते हैं जब तक प्रियंका गांधी जी की तो रिहा नहीं किया जाता, तो हमें भी गिरफ्तार किया जाए, हमें रिहा ना किया जाए। क्या नाम आपका? दीपक चक्रवर्ती एडवोकेट। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए R9 भारत।